के दौरे पर सीएम ने तंज कसा। बीजेपी के नेता हथियार डाल चुके हैं, उनके प्रभारी बदले जा चुके हैं, हताशा में हैं बीजेपी के लोग, खुद मेहनत नहीं करते हैं बीजेपी के लोग। चुनाव आने पर थोड़ी सक्रियता बढ़ी है, बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हैं। तंज कसा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर। पहले ही वो हथियार डाल चुके हैं, तभी तो बार बार प्रभारी बदल रहे हैं, बार बार जो प्रदेश के नेतृत्व उसको बदल रहे हैं, और हताशा में हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और तभी तो जो अभी महाराष्ट्र साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद जो ट्विटर में सोशल मीडिया में जो उनकी प्रतिक्रिया देखी गई, थोड़ी उनको लगता था कि कुछ पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे। तो ये पर भरोसा तीन परोसा नहीं चलेगा भाई, दूसरे के भरोसे में खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे के भरोसे में ये सत्ता में आना चाहते हैं। तो वैसे भी साढ़े चार साल पौने पाँच साल ये लोग कोई काम नहीं किए हैं, अब चुनाव तीन महीने बचे हैं, तो थोड़ी सक्रियता प्रभारियों को दिखाई दे रही है, स्थानीय नेताओं का अभी भी सक्रिय नहीं हो रहे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। तंज कसा है बीजेपी पर भूपेश बघेल ने, और दूसरी तरफ बिलासपुर में आज बड़ी रैली हो रही, इसी पर यह तंज था। युगल तिवारी न्यूज 18 संवाददाता बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, चुनावी साल है तो वार पलटवार तो होगा ही, लेकिन क्या तैयारियां, चूंकि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर आने जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? जय प्रसाद, देखिए हम सबसे पहले तैयारियों की चर्चा करेंगे, और जिस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है, व्यापक तैयारी बीजेपी की है, और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और लगभग 20,000 से 30,000 की भीड़ है वहाँ, इसकी तैयारी की गई है। बीजेपी के बड़े सभी नेता यहाँ पर आएंगे, और बीजेपी का कहना है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और जनता कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे, तो एक बड़ा उत्साह है, बड़ा ऊर्जा का संचार होगा, और 2023 की चुनाव में वापसी की पूरी तरह से तैयारी है, वो बीजेपी यहाँ पर जुटी हुई है, व्यापक तैयारियाँ यहाँ पर की गई है। और अगर हम बात करें इसके अलावा, देखिए कांग्रेस भी आज पूरा बिलासपुर संभाग में है, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो बिलासपुर दौरे पर है बूथ चलो अभियान के तहत, तो वहीं कुमारी सलजा है जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं वो कोटा के दौरे पर रहेंगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम जो TS शिवदेव हैं वो बिल्कुल बिल्कुल। युगल, नजर बनाए रखिए सभा पर, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, रहिएगा, लेकिन अगली खबर पर भी आपसे जुड़ेंगे। और रायपुर से यह बड़ी खबर है, पाठ्य पुस्तक निगम का पूर्व GM गिरफ्तार हो गया है। अशोक चतुर्वेदी को ACB EOW ने गिरफ्तार किया, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से इसे गिरफ्तार किया गया। ऐसे अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हुई है, कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद से ये फरार था। गुंटूर से रायपुर के लिए ACB की टीम रवाना हो चुकी है। ये बड़ी खबर है, पाठ्य पुस्तक निगम का पूर्व GM गिरफ्तार हो चुका है, अशोक चतुर्वेदी को ACB EOW ने गिरफ्तार किया है। युगल हमारे साथ जुड़े हैं, युगल और क्या जानकारी अशोक चतुर्वेदी से जुड़ी हुई, गिरफ्तारी से जुड़ी हुई? देखिए पाठ्य पुस्तक निगम के जो अशोक चतुर्वेदी थे उसे आय के अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तारी की गई है, और आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर है वहां से उसे गिरफ्तार कर रायपुर लाया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई जो मामले उन पर दर्ज है, पहले भी जमानत याचिका उन्होंने लगाई थी, लेकिन याचिका खारिज हो जाने के बाद गिरफ्तारी हुई थी और लंबे समय से वो फरार चल रहे थे। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है जिस पर EOW ACB की टीम ने उनकी गिरफ्तारियां है वो की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, और अब कोरबा से बड़ी खबर है, गाड़ी को टक्कर मारते हुए घर में घुसा है एक हाइवा, हादसे में बाल बाल बचे हैं घर के लोग। मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची है, इमली डुग्गू बाईपास रोड की ये घटना है। ये तस्वीरें हादसे के बाद की, एक हाइवा घर में जा घुसा, बताया जा रहा है कि गाड़ी को टक्कर भी मारी है हाइवा ने, हालांकि जो घर के लोग हैं वो बाल बाल बचे हैं। मौके पर कोतवाली पुलिस मौजूद है, इमली डुग्गू बाईपास रोड की घटना है ये, संभवतः रफ्तार एक बड़ी वजह इस हादसे की रही हो। देख सकते हैं आप हादसे के बाद की तस्वीरें, बताया जा रहा है कि पहले एक वाहन को भी साइवा ने टक्कर मारी और उसके बाद एक
हाइवा घर में जा घुसा। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है, महिला से मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। हेड कांस्टेबल संतोष गुप्ता लाइन अटैच कर दिए गए हैं। पीड़िता की शिकायत पर एसपी ने कार्रवाई की है। घर में घुसकर महिला से मारपीट की गई थी। उदयपुर थाना में तैनात था प्रधान आरक्षक। तो ये बड़ी खबर अंबिकापुर से, महिला से मारपीट के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। हेड कांस्टेबल संतोष गुप्ता को लाइन अटैच कर दिया गया है। ग्राम बिशुनपुर का है, जहां पर कुछ दिन पूर्व थाना स्टाफ के द्वारा आबकारी अधिनियम की कार्रवाई की गई थी एक परिवार के विरुद्ध में, और जिसमें उसमें परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि जो कार्रवाई करता पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा मारपीट की गई है, जिसकी शिकायत की जांच वर्तमान में एसपी सर के द्वारा दी गई है। और उसमें अभी एसपी सर के निर्देशानुसार अभी वो जो पुलिस अधिकारी हैं उनको लाइन अटैच कर दिया गया है मामले में। और रायगढ़ से बड़ी खबर है, अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। नॉन वेंडिंग जोन में लगी दुकानों पर एक्शन हुआ है, बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। ये बड़ी खबर रायगढ़ से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है। नगर निगम ने कार्रवाई की है। नॉन वेंडिंग जोन में जो दुकानें लगी हुई थी उनके खिलाफ एक्शन किया लिया गया है, कार्रवाई की गई है। और नगर निगम की इस कार्रवाई से एक्शन से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। तो जो नॉन वेंडिंग जोन है, जहां पर परमिशन नहीं है दुकानें लगाने की या रेहड़ी लगाने की, वहां पर भी दुकानें लगी हुई थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। नगर निगम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो नॉन वेंडिंग जोन में लगी दुकानों पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। रेहड़ियों पर बुलडोजर के जरिए उन सभी रेहड़ियों को या अवैध निर्माण को हटा दिया गया है। नगर निगम की इस बड़ी कार्रवाई से जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, हड़कंप मचा हुआ है। तो आपको एक बार फिर बता दें, राय में बता दें, ये नगर निगम ने एक्शन लिया है, अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। नॉन वेंडिंग जोन जहां बावजूद उसके वहां पर दुकानें लगाई गई थी, रेहड़ियां लगाई गई थी, उन पर एक्शन हुआ है। और अवैध अतिक्रमण से ट्रैफिक में तमाम दूसरी परेशानियां भी इसके अलावा पैदा होती हैं, और इसी के मद्देनजर ये बड़ा एक्शन नगर निगम ने लिया है रायगढ़ में। नॉन वेंडिंग जोन जहां पर बड़े पैमाने पर दुकानें लगा ली गई थी, निर्माण कर लिया गया था, अवैध दुकानें खड़ी कर ली गई थी, जाकर वहां पर बड़ा एक्शन हुआ है बुलडोजर के जरिए।